हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पावर ऑफ एनर्जी में आपका स्वागत है। और बात करेंगे आज हम एक और नई कंपनी के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल देखेंगे और उसके लिए बजट में क्या एलोकेशन हुआ है, क्या नया इंप्लीमेंट हुआ है वो भी चेक इट आउट करेंगे। एंड कंपनी का नाम है आईसीआईसी प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। कंपनी का नाम है आईसीआईसी प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर है कि मैं पर्टिकुलर इस वीडियो में आईसीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आप इस कंपनी के शेयर को खरीदें या बेचें। जो भी कुछ करना हो कृपया आप अपना डिटेल सर्च कर लें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कर लें। आई विल ट्राई टू शो यू व्हाट इज द फैक्ट एंड हाउ वी कैन स्टडी दिस टाइप ऑफ फैक्ट्स, कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं और उस एनालिसिस के बेस पर हम अपने फ्यूचर को इन्फ्लेशन को बीट कर सकें और उस चीज़ को कहीं पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करें सो दैट वी कैन गेट सम गुड रिजल्ट, रिवेन्यू, गुड रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो आज बजट में क्या एलोकेशन आई है, एक न्यूज है, सीएनबीसी आवाज की वेबसाइट पर हम आए हैं। बजट 2023 इफ अ प्रीमियम पेड बाय एन इंडिविजुअल फॉर ए सेविंग लाइफ पॉलिसी इज मोर देन 5 लाख देन ऑन मैच्योरिटी द इनकम फ्रॉम पॉलिसी विल बी टैक्स्ड। मतलब अगर कोई एक इंडिविजुअल 5 लाख से ज्यादा अगर प्रीमियम देता है एक साल में विद इन अ ईयर, द थ्रेशोल्ड ऑफ द 5 लाख विल बी एप्लीकेबल ऑन फर्स्ट ईयर प्रीमियम एंड नॉट टू फर्स्ट ईयर प्लस रिन्यूअल। तो जो इस पे जो टैक्स जो इनकम जो होगी वो टैक्सेबल होगी, तो जब इनके जो जो इनका जो लास्ट में जो मैच्योरिटी होगी तो उस पर टैक्स लगेगा। तो इट मींस दैट यही सीधा सा कहना है, यहाँ पे लिखा भी है बजट 2030 हैज प्रपोज टू टेक अवे द टैक्स फ्री एडवांटेज फ्रॉम द ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान्स इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 हुज एनुअल प्रीमियम इज अबव 5 लाख। द न्यू प्रपोजल विल हाउएवर नॉट इम्पैक्ट ऑन टैक्सेबल यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, यूलिप प्लान बोलते हैं, टर्म इंश्योरेंस एंड होल्ड एंड ओल्ड पॉलिसी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ निर्मला सीतारमन सेड। तो एक छोटी सी न्यूज आई है कि एक तरह से कि जो जो लोग हाई नेटवर्थ के लोग हैं वही लोग 5 लाख प्रीमियम इंडिविजुअल कौन दे सकता है एक साल में, जो मिडिल क्लास की जो इनकम है, मिडिल क्लास के जो पीपल है वो तो 5 लाख प्रीमियम नहीं भर पाएंगे, क्योंकि अगर कोई 20 लाख भी कमाएगा तो 5 लाख उसमें नहीं लगा देगा, किसमें, लाइफ इंश्योरेंस में, उसकी जगह वो टर्म इंश्योरेंस ले लेगा। टर्म इंश्योरेंस में ये सब चीज़ें हटा दी हैं, वो लगाई नहीं है इन द सेंस ऑफ, तो 5 लाख प्रीमियम काफ़ी कुछ हो जाता है। तो 5 लाख प्रीमियम देंगे तो उनको थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से गेनिंग करनी पड़ती, तो इसी बेस पे इंश्योरेंस सेक्टर के आज सारे शेयर गिर गए। तो एज सच मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इससे कंपनी के बिजनेस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज 5 लाख वाली पॉलिसियाँ बहुत कम होती हैं, अगर जो 5 लाख का प्रीमियम पे कर सकते हैं तो वो टैक्स भी भर सकते हैं, नो डाउट। तो चलिए बढ़ते हैं फाइनेंशियल चेक करेंगे। तो वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ इनका काम है, बिकॉज वो भी आईसीआई की अंडर में काम करती है, सब्सिडरी है। एंड अगर हम प्लान्स की बात करें तो एसबीआई आईसीआई लाइफ इंश्योरेंस पोटेंशियल प्लान, इनके पास सारे प्लान होते हैं जो लाइफ को इंश्योरेंस कवर करने के लिए। दे आर सेलिंग दीज प्लान बाय देयर ब्रांचेज ऑल्सो, आईसीआई पोटेंशियल आईसीआई के जो लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिसेज है, एज वेल दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द आईसीआई बैंक के थ्रू भी बेचे जा रहे हैं, और साथ साथ में और भी इनके कई सारे पार्टनर हैं, दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट बाय। अगर हम बात करें तो इनके पास जो प्लान है वो यूनिट लिंक प्लान है, यूलिप प्लान है, गारंटेड रिटर्न प्लान भी है, चाइल्ड प्लान भी है, रिटायरमेंट पेंशन प्लान भी है, सेविंग एंडोर्समेंट प्लान भी है, हेल्थ इंश्योरेंस भी है, और तो इनके पास प्लान बहुत सारे हैं। और टर्म प्लान तो आजकल काफ़ी पॉपुलर हो चुका है टर्म इंश्योरेंस, तो टर्म इंश्योरेंस के भी इनके पास अच्छे खासे प्लान है, और इनका जो क्लेम रेशियो है वो भी काफ़ी अच्छा है और क्लेम भी आसानी है। तो ये एक लाइफ इंश्योरेंस का अगर मार्केट देखें इंडिया में तो काफ़ी अभी ग्रो होना बाकी है, बिकॉज अभी इंश्योरेंस के लिए इतना कुछ डूबा नहीं है जितना होना चाहिए इंश्योरेंस इन इंडिया में, तो वो काफ़ी फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, ब्राइट है मेरे हिसाब से। तो और ये आईसीआई लाइफ जो इंश्योरेंस कंपनी है काफ़ी अच्छा कर रही है और फ्यूचर में इनका बिजनेस बढ़ेगा। पॉपुलर कैटेगरी भी यहाँ पे शो आउट है कि गारंटेड इनकम प्लान 110% प्रीमियम बैक होते हैं इनसे, और लाइफ टर्म लाइफ कवर प्लान भी है इनके पास जो भी अच्छा है, टर्म प्लान भी है, कैंसर इंश्योरेंस प्लान भी है, यूलिप प्लान भी है, प्लान फॉर इन्वेस्टर भी है, रिटायरमेंट पेंशन प्लान भी है इनके पास, चाइल्ड प्लान भी है, टैक्स सेविंग प्लान भी है, और मोर प्लान्स भी है इनके, वट एवर यू जो लोग जिसकी जैसी जरूरत है उस हिसाब से इन्होंने प्लान्स बना रखे हैं। और फैमिली प्रोटेक्शन प्लान है, अर्ली इन्वेस्टमेंट है, चाइल्ड प्लान है, और क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ का अगर हम क्रिएट करना है वो भी प्लान है, प्लान फॉर हैप्पी रिटायरमेंट है, और रिड्यूस टैक्स को कैसे रिड्यूस करें वो भी प्लान है। तो इनके पास सारे प्रोडक्ट हैं, दे कैन डू द बिजनेस बाय दीज प्रोडक्ट्स। सो चलिए अब देखते हैं और फाइनेंशियल में क्या दिया है, यहाँ पे लिखा भी है आईसीआई पोटेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द कैरियर ऑफ द बिजनेस प्रोवाइडिंग द लाइफ इंश्योरेंस पेंशन एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, द बिजनेस इज कंडक्टेड द पार्टिसिपेटिंग द एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड यूनिट लिंक लाइंस
ऑफ बिजनेस। दीज प्रोडक्ट्स आर द डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू इंडिविजुअल एजेंट्स के द्वारा बेचे जाते हैं, कॉर्पोरेट एजेंट से बेचे जाते हैं, बैंक से, ब्रोकर से, सेल्स से, फोर्स एंड अदर कंपनी की जो वेबसाइट है उनसे सारे। तो सारे इनके पास वर्क फोर्स है कि जैसे भी प्लांट बेचा जा सके वो उस तरीके से प्लांट बेच रहे हैं। और इट इज प्रमोटेड बाय ICICI बैंक, जैसे मैंने बताया कि ICICI बैंक के द्वारा ही प्रमोटर है, उसकी सब्सिडरी है। और ICICI बैंक की इसमें 51% स्टेक है। और लिखा भी है द कंपनी इज द पार्ट ऑफ द ICICI बैंक लिमिटेड विच इज द सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया में। अगर हम HDFC की बात करते हैं तो ICICI दूसरे नंबर की बैंक है। इट ऑफर्स द डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस रिटेल MSME एंड कॉर्पोरेट कस्टमर। एंड 51% ICICI की हो गई। प्रोडेंशियल की लाइफ प्रोडेंशियल की है, और प्रोडेंशियल एक ब्रिटिश की मल्टीनेशनल कंपनी है और उसका जो ज्वाइंट वेंचर के कारण ये कंपनी चल रही है। अगर हम बात करें रेशियो बात करें तो 2021 के यहाँ पर रेशियो अवेलेबल है। और तो सॉल्वेंसी रेशियो 217% है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो काफ़ी अच्छा है 98% है, कॉस्ट रेशियो 15% है, कमीशन रेशियो 42% है, नेट रिटेंशन रेशियो 98% है, काफ़ी अच्छा है नेट रिटेंशन रेशियो, और VNB मार्जिन 25% है। तो ये सारे इनके पॉइंट दिए गए हैं काफ़ी अच्छे। कैप जो है ना 57,855 करोड़ की मार्केट कैप है, और करंट प्राइस 402 रुपये चल रहा है, और स्टॉक का लोअर हाई 52 वीक का 609 रुपये और 390 रुपये लो गया है, और स्टॉक का पी 75.6 है, इंडस्ट्रीज का पी 50 है, थोड़ा सा महंगा है, बट मुझे लगता नहीं कि महंगा, काफ़ी डिस्काउंटेड हो चुका है अब ये प्राइस स्टॉक का। बुक वैल्यू 70.1 है, डिविडेंड भी देती है 0.14%, ROC 7.26 है, ROE भी 6.3 है, फेस वैल्यू 10 रुपये है, प्रमोटर की काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग है 73.4%, और प्रॉफिट ग्रोथ भी 20.50 है, एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है ना 144 करोड़ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से 765 करोड़ का प्रॉफिट है, 3 साल पहले 50,288 करोड़ की मार्केट कैप है। मतलब एज सच जो स्टॉक में मूवमेंट आना था वो आ नहीं पाया, बिकॉज अगर 3 साल में देखें तो मार्केट कैप में कुछ ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं है। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मैंने आपको बता ही दिया, इंडस्ट्रीज का पी 50.5 है, पे रेशियो माइनस में दिख रहा है 15.14, एंड ऑल टाइम हाई 724 है, एंड डेट टू इक्विटी रेशियो 0.12 है, 200 डे में 505 रुपये है, और RSI 22 है, काफ़ी करेक्ट हो चुका है, और EBITDA 56.40 है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो दिसंबर 2019 में इनकी 12,876 करोड़ की सेल्स हुई थी, जो बढ़ते बढ़ते अभी दिसंबर 2022 में जो 17,426 करोड़ की इनकी सेल्स आई है। और अगर हम 17,426 करोड़ की सेल्स को दिसंबर 2021 के क्वार्टर से मैचअप करें तो सेल्स काफ़ी अच्छी इंप्रूव हुई है, तकरीबन डबल सेल्स हो चुकी है। अगर हम देखें दिसंबर 2021 में 9,930 करोड़ की सेल्स हुई थी और दिसंबर 2022 में 17,426 करोड़ की सेल्स हुई, तो सेल्स में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है दिसंबर ईयर टू ईयर क्वार्टर की बात करें, बट लास्ट क्वार्टर से बात करें तो सेल्स में थोड़ा प्रेशर है। प्रॉफिट अगर हम प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर में अच्छा खासा लास्ट ईयर प्रॉफिट आया था 302 करोड़, इस बार जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है वो माइनस में 76 करोड़ आया है। तो अदर इनकम देखें तो लास्ट ईयर दिसंबर में 58 करोड़ ही अदर इनकम आई थी, इस बार 352 करोड़ इनकम आई है अदर इनकम, तो काफ़ी अच्छी अदर इनकम आई है इस क्वार्टर में। और अगर हम लास्ट ईयर के लास्ट सेम लास्ट सितंबर के क्वार्टर से बात करें तो अदर इनकम में भी यहाँ पे प्रेशर है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 277 करोड़ का यहाँ पे इनकम आई है बिफोर टैक्स, और लास्ट सितंबर में लास्ट ईयर जो 2021 में आया था वो 359 आया था, तो उससे थोड़ा कम आए। सेल्स बढ़ी हैं बट एज सच प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। एंड अगर हम सितंबर से बात करें तो सितंबर में 243 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था, पर उससे बढ़ा हुआ है। और अगर हम ओवरऑल देखें तो नेट प्रॉफिट दिसंबर 2022 के 222 करोड़ का इनके पास नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ है, सितंबर से 22 करोड़ ज़्यादा आया है, और लास्ट ईयर से तकरीबन 90 करोड़ के आसपास इनका नेट प्रॉफिट कम आया है। तो अगर बात करें पूरा इंश्योरेंस सेक्टर का एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज का, तो ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऐसी ही चलती है, बिकॉज समटाइम क्लेम ज़्यादा आते हैं, दूसरा क्या है इनका जो पैसा होता है, जो मनी इनके पास जो आती है वो ऑलरेडी कहीं इन्वेस्ट होती है, इन्वेस्ट मतलब कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगी रहती है, तो वो पैसा से इनके पास भी रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा। अगर आप देखेंगे ना एस एस 1 से 1.5 साल में स्टॉक मार्केट ने जितना रिटर्न नहीं दिया जितना देना चाहिए था, काफ़ी कुछ रिटर्न नहीं आया, तो उनकी जो रेवेन्यू जो जनरेट होती है वो जो पैसा जो आता है वो स्टॉक मार्केट में ही लगाते हैं, वहाँ से इनको रिटर्न अच्छे मिलते हैं, तो वो भी इनकम का पार्ट बनते हैं। तो ऐसा अगर देखें तो स्टॉक इस मार्केट से जो इक्विटी मार्केट वहाँ से इनको रिटर्न प्रॉपर नहीं मिल पाया है, इसलिए इनकी इनकम वहाँ पर भी प्रेशराइज रही है, इसलिए इनके जो रेवेन्यू में जो बूम आना था वो नहीं आया है। तो ऐसा अगर हम बात करें तो सेल्स इंप्रूविंग है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट थोड़ा सा दबाव है, बट एज सच बिजनेस ऐसे ही चलता है मेरे हिसाब से, और नेट प्रॉफिट भी अच्छा मतलब नेगेटिव नहीं है तो ठीक ठाक है, लास्ट क्वार्टर से अच्छा है, तो आई होप कि आगे भी ये नेट प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ में देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में जो सेल्स आ रही है वो 51,423 करोड़ की आ रही है, और थोड़ा सा कम हो रही है, बट इंश्योरेंस सेक्टर समटाइम ज़्यादा समटाइम कम आती रहती है। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो -1,165 करोड़ का आ रहा है, और अदर इनकम देखें तो 2,201 करोड़ की आ रही है, तो ओवरऑल जो हम देखें ना तो नेट प्रॉफिट कंपनी के पास 765 करोड़ का नेट प्रॉफिट आ रहा है। और अगर हम देखें कि इनके 2012 से इनके नेट प्रॉफिट तकरीबन गिर रहे हैं बढ़ रहे हैं, तो ये बिजनेस सेक्टर ऐसा ही है
अभी ये क्या एक नए बिजनेस में कूदे हैं। जब से टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो टर्म इंश्योरेंस अभी 3-4 साल में काफी पॉपुलर हुआ है, तो उसमें क्लेम भी आ रहे हैं, बट एज सच उसमें इतनी पॉलिसी नहीं बन पा रही है, तो शायद वहां पे इनको क्लेम ज्यादा देना पड़ रहा होगा, तो इसलिए सब ये दबाव है। ऊपर से मैंने आपको बताया कि उनका इन्वेस्टमेंट रहता है, वहां से भी रिटर्न नहीं आ पा रहे, तो ये सारे पैरामीटर ऐड करते हैं तो थोड़ा सा मूव नहीं चल पा रहा। बट कंपनी के फाइनेंशियल मुझे काफी अच्छे लग रहा है कि कंपनी काफी ग्रो कर सकती है फ्यूचर में, और इट इज नॉट फॉर जस्ट लाइक ए ट्रेडिंग पर्पज से, ये कोई स्टॉक नहीं है, इट इज लाइक फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लेना चाहें तो इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में मैनेज कर सकते हैं। तो ट्रेलिंग 12 मंथ में 765 करोड़ का प्रॉफिट आता हुआ नजर आ रहा है। शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो कंपनी के पास 1439 करोड़ का शेयर कैपिटल है, और रिजर्व इनके पास 8651 करोड़ का रिजर्व है। कुछ बोरिंग भी ऐड की है 1200 करोड़ की मार्च 21 से, और अगर हम फिक्स एसेट देखें तो 537 करोड़ का फिक्स एसेट है। एस एच कैप सी डब्ल्यू आई पी में कुछ नहीं है, एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है, क्योंकि 73.34 शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास है, एफआई के पास 15.41 है, डीआई के पास भी 5.93 है, डीआई ने थोड़ी बहुत होल्डिंग बढ़ाई है, और पब्लिक के पास ज्यादा कुछ होल्डिंग है नहीं है, 5.31% है, और कोई है क्या इसमें, और इसमें 2% तो यहाँ पे चली गई, तो पब्लिक के पास सिर्फ 3% के पास होल्डिंग है, तो ऐसा ज्यादा पब्लिक के पास होल्डिंग नहीं है। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है इसमें, अगर आपको 8-10 साल के लिए लेके रखना हो तो। चलिए बात करते हैं चार्ट पैटर्न की। तो आईसीआई पोटेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का मैंने चार्ट यहाँ पे ओपन कर रखा है, और बेसिकली आज सारे इंश्योरेंस सेक्टर के सारे जितने भी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, सारे शेयर आज पिटे हैं, सारे अच्छे खासे 5% 10% से गिरे हैं, बिकॉज एक न्यूज आ गई कि बजट में कि 5 लाख से ऊपर का अगर रहेगा तो टैक्स लगेगा। 5 लाख का ऊपर कौन प्रीमियम भरता है भाई, इंडिया में 70-80% जो होते हैं वो मुश्किल से 50-60 हज़ार रुपए की पॉलिसी ले पाते हैं साल भर में, क्योंकि वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लेते हैं कि अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे टैक्स बच जाएगा। 5 लाख इज ह्यूज अमाउंट ऑफ, 5 लाख की जो टैक्स पॉलिसी लेगा ना वो कम से कम 1 करोड़ रुपए कमाता होगा, वो उनका रेशियो भी कम है। आर गेटिंग माई पॉइंट? तो जस्ट आई एम जस्ट थिंक दैट कि अगर हम बात करें प्रेजेंट में तो कब आज स्टॉक जो बंद हुआ है वो काफी अच्छे सपोर्ट पे बंद हुआ है, बेसिकली काफी कुछ गिर गया है स्टॉक, बट इट इज अ स्टॉक मार्केट, यही इसकी खूबसूरती है कि कभी भी आपको मौका दिला सकता है कोई चीज खरीदने का, और कभी भी आपको मौका गवा सकता है कोई चीज बेचने का। तो बट अगर आप एक अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आपने कोई चीज़ सोच समझ के लिए उसको फ्यूचर से लिंक किया है, इंश्योरेंस सेक्टर को आप फ्यूचर से लिंक करेंगे और स्टॉक की क्वालिटी को लिंक करेंगे, तो ये सब चीज़ें बढ़ने वाली हैं, सब चीज़ें ऐसे कम नहीं होने वाली, क्योंकि इंश्योरेंस के लिए काफ़ी लोग आज की तारीख में हर टाइप का इंश्योरेंस हो रहा है, तो लाइफ को लेकर ये सब इंश्योरेंस बढ़ेंगे, कोई चीज़ कम नहीं होने वाली। प्रेजेंट के सिनेरियो से कोई चीज़ कम हो गई है तो इट इज अ मौका टू बाय सच शेयर एंड कीप इट इन योर पोर्टफोलियो सो दैट दे कैन रिटर्न यू ह्यूज अमाउंट एंड अच्छा एक अच्छा खासा कॉर्पस आपके लिए बनाए। तो अभी जो बंद हुआ है शेयर तकरीबन 400 रुपये के आसपास से, 401 के आसपास बंद हुआ है, और ऑल टाइम हाई यहाँ पे मुझे हाल फिलहाल का वो 725 दिख रहा है, नियरेस्ट जो ऑल टाइम इसने हाई मारा था दैट वॉज सितंबर 2021, तब से डाउनफॉल में ही चल रहा है, और मुझे यहाँ से कोई डाउट नहीं लगता है कि ये शेयर ऊपर नहीं जाएगा, डेफिनेटली ऊपर जाना चाहिए, और इसने जो यहाँ पे आज जो रुका हुआ है वो एक अच्छी खासी सपोर्ट पर रुका हुआ है। तो अगर हम यहाँ से इसको लेके चलते हैं और एक अच्छा खासा, बिकॉज इट इज ट्रेडिंग बिलो 200 टेमा के आसपास, बिलो कर रहा है, RSI को भी टच कर रहा है, और कंपनी के फाइनेंशियल भी अच्छे हैं, और कंपनी का बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर हम इस प्राइस से इसको लेके चलते हैं और इसका अगर हम टारगेट लेके चलते हैं, तो अगर इस प्राइस से देखें ना तो टारगेट इट इज लाइक 70-80% के आसपास रिटर्न आता हुआ दिख रहा है, 80% वी कैन से 79% इट इज लाइक 80% अगर 2 साल में आ जाए तो बहुत अच्छा है, 2 साल में नहीं आया तो 3 साल में आ जाए क्या बुराई है, 3 साल में भी रिटर्न अगर आपको 25% के हिसाब से अगर कोई रिटर्न मिल रहा है, 3 साल में अगर आपको रिटर्न दे रहा है 80% तो कोई बुरा नहीं है, बिकॉज ऐसे ही मिलता है। अगर आप एक सोचोगे एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में डबल शेयर हो जाए, डबल पे आ जाए, तो आप यू आर जस्ट लाइक गैम्बलिंग, आप और कुछ नहीं कर सकते, वो पैसा भी आपका पूरा डूब जाएगा। अगर आप एक धीरे धीरे करके गेन करेंगे, अच्छे स्टॉक्स पिकअप करेंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो, और जो बजट की जो इन्फॉर्मेशन छोटी सी न्यूज आई है उसके व्यापे आज 10-11% शेयर आपको डिस्काउंट प्राइस भी मिल रहा है, वी कैन से दैट, और यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है तकरीबन 80% का, और इट इज अगर ये 80% 3 साल में आया तो क्या बुरा है, बहुत अच्छा रिटर्न है। बट मुझे लगता नहीं है कि 3 साल लगे, बट एक अपने माइंड में सेटअप करके रखना चाहिए। और दूसरा क्या है कि अगर जब भी कभी आप इन्वेस्टमेंट की सोचे तो एटलीस्ट 4-5% ही अपने किसी पोर्टफोलियो में लगाएं, पूरा पैसा एक में ना लगाएं, नहीं तो फिर आपको दूसरी जगह कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इट इज एजुकेशनल वीडियो ऑफ आईसीआईसीआई पोटेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग में था, जिसमें मैंने आपको ट्राई कोशिश की बजट की इन्फॉर्मेशन को जोड़ के आईसीआईसीआई लाइफ में क्या बदलाव आए, उसके क्या रिजल्ट आए, क्या बिजनेस मॉडल है,
और फिर उसके फाइनेंशियल को भी मैंने रीड आउट किया, और साथ साथ में आपको चार्ट पैटर्न में तकरीबन 80% का हमने यहाँ से आपको रिटर्न का एक चार्ट मूवमेंट करके बताया, और साथ साथ में अगर आप इसको एक अच्छे खासे लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको कॉर्पस देगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एवं कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। एंड वन मोर रिक्वेस्ट इज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो, so that other also get benefit of this type of educational channel. Thank you, bye bye.